सो दोस्तों, आप इंस्टाग्राम पर 3 लोगों के साथ कोलेब्रेशन कर सकते हो, तो वो किस तरीके से करना है एंड दोस्तों आप किस तरीके से 3 लोगों के साथ इंस्टाग्राम पर कोलेब्रेशन कर सकते हो, किस तरीके से सेटिंग्स है, क्या क्या अगर आपको अभी तक नहीं मिला है वो किस तरीके से मिलेगा एंड दोस्तों आपको किस तरीके से यूज करना है, सब कुछ बात करने वाले हैं इस वीडियो में। सो गाइस, इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा, काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो ये होने वाली है। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हो दोस्तों, तो आप आसान तरीके से बिना कोई प्रॉब्लम का यहाँ पर है दोस्तों 3 लोगों के साथ आराम से यहाँ पर कोलैबोरेशन कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर मैं आपको इसके कुछ फायदे बता देता हूँ दोस्तों, कि अगर आप 3 लोगों के साथ कोलैबोरेशन करते हो तो तीनों की ऑडियंस, मान के चलो दोस्तों आप, मैं और किसी और का एक आईडी है और हम तीनों मिलकर एक वीडियो बनाते हैं और तीनों की आईडी में जाती है, तो हम तीनों की जो ऑडियंस है एक वीडियो को देखेगी एंड दोस्तों अलग अलग लोगों की आईडी पर जाएगी, जिससे आपकी ऑडियंस बढ़ेगी, मेरी ऑडियंस बढ़ेगी एंड थर्ड पर्सन जो होंगे उनकी भी ऑडियंस बढ़ेगी, ठीक है। तो इसके कुछ ये फायदे होने वाले हैं, काफी ज्यादा तगड़ा ये दोस्तों, काफी ज्यादा तगड़ा अपडेट है। तो दोस्तों इसे किस तरीके से यूज करना है, किस तरीके से आप यूज करोगे, सारा कुछ बताने वाला हूं मैं इस वीडियो में, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा, काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो ये होने वाली है, ठीक है। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम ऐसे वीडियो हमेशा लेकर आते रहते हैं। तो गाइस, अभी हम चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर, वहां पर चलकर मैं आपको बताता हूँ कि 3 लोगों के साथ आप कोलैबोरेशंस कैसे करोगे, ठीक है। तो चलिए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। सो गाइस, सबसे पहले आपको इंस्टाग्राम खोल लेना है, जैसे कि यहाँ पर मैंने इंस्टाग्राम खोल लिया। अब आपको क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले तो आपको यहाँ पे प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है एंड एक रील वाले ऑप्शन पर जाना है एंड दोस्तों आपको कोई भी रील अगर आप बनाना चाहते हो तो बना सकते हो, या फिर लेना चाहते हो तो ले सकते हो। तो यहाँ पर मैं ये वाला ले लेता हूँ, ठीक है। सो गाइस, यहाँ पर मैंने ये वाला ले लिया, इससे अब मैं आपको कोलैबोरेशन करके दिखाऊंगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है दोस्तों, नेक्स्ट कर देना है यहाँ से। आप जैसे ही नेक्स्ट करते हो तो यहाँ पर देख सकते हो आप कैप्शन वगैरह तो लिख ही सकते हो, ठीक है। अब आपको ये सेटिंग कैसे करना है वो चीज मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। अब आपको क्या करना है, यहाँ टैग पीपल का एक नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ पर आपको चले जाना है। यहाँ पर देख सकते हो इनवाइट कोलैबोरेटर्स का ऑप्शन मिलेगा, तो इस पर आप चले जाना दोस्तों। यहाँ पर जाने के बाद आपको जिसे भी टैग करना है, ठीक है, जैसे यहाँ पर मेरा एक आईडी है तो उसे मैं टैग यहाँ पर करना चाहता हूँ, देख सकते हो RN3295 ये आ गया। उसके बाद आप जिसे भी चाहो दोस्तों उसे यहाँ पर टैग कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर मैं किसी को भी टैग कर देता हूँ दोस्तों, तो ये मैंने कर दिया और मैं एक लोगों का और अभी किसी का भी करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ये मैंने अपना 3 आईडी, तो देख सकते हो दोस्तों यहाँ पर 3 आईडीज में जो है यहाँ पे हम कोलैबोरेशन कर सकते हैं। अब इसे सही कर देना है दोस्तों एंड आपको शेयर कर देना है। अब दोस्तों शेयर करने के बाद तुरंत आपको यहाँ पे 3 लोगों को आप यहाँ पर कोलैबोरेशन 3 लोगों के साथ कर सकते हो, ठीक है। देख सकते हो यहाँ पर मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, तो यहाँ पर दोस्तों हमारा लगभग अपलोड हो ही चुका है एंड दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके से यहाँ पर ये दिखलाया जाएगा रील्स में। तो यहाँ पर दोस्तों मैं रील्स वाले ऑप्शन में जाता हूँ और देख सकते हो कि अब एक्सेप्ट करना होगा, ठीक है। वो जैसे ही एक्सेप्ट करेंगे वहाँ पर, तो हमारा 3 लोगों के आईडी में दिखलाने लगेगा। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पर कोलैबोरेट कर लेना, ठीक है। एंड आज के वीडियो के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलता है कोई नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।